ये गड़बड़ है बाबा। UMP नाम तो छोटा है लेकिन इसके कारनामे बहुत ही बड़े हैं। इस गन से आप लोग एक बंदे को नहीं, दो को नहीं, बल्कि पूरी स्क्वाड को खत्म कर सकते हो। लेकिन ये कारनामे सिर्फ लेजेंड कर सकते हैं, नूब नहीं। और लेजेंड कौन है? राइज स्टार, वाइट एफ एफ, पागल M10 एंड और भी कुछ लेजेंड्स हैं जो कि मोबाइल में खेल के इस गन को इतना तगड़ा चलाते हैं कि सामने वाले बंदों को एक नहीं बल्कि चार चार को हेड देके खत्म कर देते हैं। सारे बंदे मैं ही बुलाऊं। हम भले UMP और वन टैप की कितनी टिप्स एंड ट्रिक देख रहे लेकिन हमारे हाथ एक ही चीज बढ़ती है, वो है सिर्फ येलो डैमेज। लेकिन आज मैं आपको रेड नंबर की कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों के ऐसे रेड नंबर पड़ने वाले हैं। अब तो 101% आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे क्योंकि आप भी रेड नंबर सीखना चाहते हो। और हाँ, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे कमेंट में गालियां लिखते हैं कि तू ऐसा है, तू फेक टिप्स एंड ट्रिक देता है। भाई मेरी बात सुनो, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, आपके हेडशॉट नहीं लगते हैं, तो भाई मेरी क्या गलती उसमें? कम से कम अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो आपको समझ आएगा कि कैसे हेड मारते, कैसे वन टैप मारते, कैसे UMP से रेड मारते, क्या कैसे क्या करते हैं। तो जो लोग भाई गालियां देते हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देख लो। एंड अगर आपको पसंद नहीं आती है टिप्स एंड ट्रिक एंड आपको कुछ सीखने को नहीं मिलता है तो गाइस गालियां लिखो, मैं खुद अप्रिशिएट करता हूं। एंड हाँ, एक चीज और बताना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होता है, एकदम राज की बात है। नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब नाम से, उसको दबा दो गाइस, एक भी पैसा नहीं लगता, एक भी रुपया नहीं लगता है और बस आपके भाई का भला हो जाएगा, एक गरीब का भला हो जाएगा। 2 मिलियन करवा दो, ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा आप लोगों से। तो फटाफट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन गाइस एक चीज आप बोल रहे हो, अभी तक लाइक नहीं किया है, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? लाइक करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ कब से यार। अभी क्या बोलो यार आप लोग को, यार आप इतने समझदार हो, आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं यार। तो बस बिना बोले कर देना जो भी मैंने बोला है फटाफट, ठीक है? लाइक सब्सक्राइब, ओके गाइस फटाफट कर दो। वीडियो स्टार्ट हो चुका है, मेरे पास कोई इंट्रो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं अपनी ट्रिक नंबर 1, या फिर मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपको UMP से पूरा रेड चिपकाना है, पूरा रेड मारना है, लाइक वाइट FF, राइज स्टार एंड बहुत सारे और भी लेजेंड है जो कि गाइस बहुत ही तगड़ा गेम प्ले है। एंड भाई रेड नंबर की तो बात करें तो उनका हर एक शॉट रेड ही पड़ता है। चल झूठा। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं अपने फायर बटन साइज और सेंसिटिविटी की। गाइस ये दो चीजें वन टैप में उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप लोग UMP से रेड नंबर मारना चाहते हो वो भी पूरे के पूरे, तो आपको अपने फायर बटन साइज और सेंसिटिविटी का आपको बहुत ही यूनिक तरीके से रखना होगा, बहुत ही अच्छे से सेट करना होगा, तभी आपके रेड नंबर पड़ने वाले। सो गाइस सबसे पहले हम लोग अपने फायर बटन की साइज को बढ़ाकर हम लोग ट्राई करते हैं कि UMP से पूरे रेड नंबर पड़ते हैं या फिर नहीं। तो हमने अपने फायर बटन की साइज को बढ़ा लिया एंड आप लोग देखो यहां पर रेड नंबर तो पड़ रहे लेकिन बहुत ही कम पड़ रहे हैं। अब आपको दिखाने वाला हूँ गाइस एकदम स्मॉल सा फायर बटन का साइज, उसमें आप लोग हेडशॉट देखना और कंपेयर करना कि फायर बटन बड़ा हो तब हेडशॉट अच्छे पड़ते हैं या फिर छोटा हो तब हेडशॉट, ठीक है? तो यहाँ पर देखो गाइस अब मेरे हेडशॉट थोड़े बहुत ही कम पड़ रहे हैं, ठीक है? मतलब रिकॉल बहुत ज्यादा है, फिर बॉडी पर बहुत ही ज्यादा गोली चिपक रही है। अभी आप लोग गाइस एकदम स्मॉल फायर बटन की साइज को देखो। सो यहाँ पर मैंने स्मॉल कर दिया फायर बटन की साइज को एंड अभी आप लोग मेरे हेडशॉट देखो गाइस पूरे के पूरे रेड नंबर पड़ रहे हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। सो इससे ये चीज तो क्लियर होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ गाइस, ठीक है? आपको अपने हिसाब से कौन सा सेट करना है, लेकिन मैं जो चीजें बता रहा हूँ गाइस एकदम परफेक्टली है कि मतलब फायर बटन को साइज अगर आप लोग छोटे रखते हो तो ही आपके अच्छे हेडशॉट पड़ेंगे। ये तो गाइस क्लियर हो गया इस चीज में, ठीक है? आप लोग देख भी सकते हो, मतलब 90% हेडशॉट पड़ रहे हैं जब हम लोग अपने फायर बटन की साइज को 30 या फिर इससे कम रख ले। लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है जो कि आप लोग देखो गाइस कि कई बार हमारा फायर बटन छोटा होता है तो देखो आप मिस फायर बहुत ज्यादा होंगे इससे, जब आपका एम परफेक्ट नहीं होगा या फिर फायर बटन पर क्लिक नहीं होगा ना, जब आप अपने फायर बटन को स्मॉल कर लोगे तो मिस फायर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जैसे कि देखो यहाँ पर मेरा मिस फायर हो रहा है, तो कई बार यहाँ पर ये भी हो सकता है कि एनिमी आपको हेडशॉट देकर चला जाए। बात तो सही है लेकिन अगर आप लोग एकदम छोटे से फायर बटन पे अपना हाथ सेट कर लेते तो गाइज आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाला है। इसके साथ साथ गाइज छोटे से फायर बटन के लिए आपको सेंसिटिविटी अगर कम है तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम अपने फायर बटन को छोटा रखते हैं तो क्या होता है गाइज कि हमको स्पेस ज्यादा मिल जाता है ड्रैग करने के लिए। बात तो सही है, और बहुत ही इजीली हम लोग रोटेशन ड्रैग कर पाते हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत ही इजी हेडशॉट पड़ते हैं। तो गाइस आई होप कि मैंने आपको जो समझाया समझ में आ गया होगा कि बड़े फायर बटन से तो छोटा रखना ही बेटर है, लेकिन आपको इसमें मिस फायर की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आपको बता देता हूँ सेंसिटिविटी क्या होना चाहिए, किस हिसाब से आपको शॉर्ट फायर बटन के लिए सेंसिटिविटी रखना है। तो गाइस सेंसिटिविटी सिंपल सी बात है, आपको अपने मतलब जो रेड डॉट है उसको आप 50 रख सकते हो या फिर आप लोग 70 रख सकते हो, ठीक है? इस दोनों पे आप लोग रखोगे तो आपके बहुत ही अच्छे हेडशॉट पड़ेंगे। एंड अगर आपके पास लो डिवाइस है तो गाइस मैं तो बोल रहा हूँ 100 रखो, क्योंकि लो डिवाइस में वैसे ही मतलब बहुत ही कम डीपी आता है एंड अगर आप लोग सेंसिटिविटी को जीरो कर लोगे रेड डॉट को तो गाइस आपका ड्रैग ही नहीं होगा। तो गाइस अगर आपके पास लो डिवाइस है तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ा लेना है। एंड अगर आपके पास कोई अच्छा डिवाइस है जैसे आईफोन, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कोई अच्छा डिवाइस, तो गाइस अगर आप लोग सेंसिटिविटी 50 या 70 कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैग कैसे करना है जिससे कि हमारे पूरे के पूरे रेड नंबर पड़े। लाइक यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो वो मैंने ही मारा है और मैं अपनी ट्रिक यूज करता हूँ जिसकी वजह से मेरे इजीली रेड नंबर पड़ते हैं। एंड फायरब्रिंड को बड़े रखने की कोई जरूरत नहीं, छोटा ही रखो, बस हाथ सेट करना आपको। एंड देखो मैंने कैसे हेडशॉट मारे, तो आप लोग इस क्लिप को स्लो मोशन में देखो। मैंने जैसे एनिमी को देखा ना भाई, मेरा एम सबसे पहले तो एनिमी के ऊपर नहीं था, एनिमी के साइड में एम था और मैंने सीधे रोटेशन ड्रैग कर दिया। यहाँ पर भी देखो जब मैंने फायर किया तो मेरा एम एनिमी के बॉडी पर नहीं था, हालांकि मेरा एम रेड था लेकिन एनिमी की बॉडी पर नहीं था। यहाँ पर भी देखो आप फायर किया तो मेरा एम कहाँ से कहाँ गया, तभी जाकर मेरे हेडशॉट पड़े। अगर आप लोग अपने एम को एनिमी के ऊपर ही रखोगे तो गाइज आपके हेडशॉट नहीं पड़ेंगे जब आप लोग फायर करोगे। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपको एम कहाँ पर रखना है। अब गाइज आप लोग इस क्लिप को देखो मैंने कैसे ड्रैग किया। जैसे मैंने एनिमी को देखा तो सबसे पहले मेरा एम कहाँ था, एनिमी के मतलब बॉडी के ऊपर नहीं था बल्कि साइड में था, और मैंने रोटेशन ड्रैग कर दिया जैसे एनिमी आ रहा था और तुरंत उसको तीन रेड डेड पड़ गए एंड खत्म हो गया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा एम आप देख सकते हो कि कहाँ पर है, एनिमी के बॉडी के साइड में है, और जैसे मैंने फायर किया ना तो मेरा एम एनिमी के बॉडी पर आया। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आप लोग अपने एम को एनिमी के बॉडी के साइड में रखोगे या फिर बॉडी के आसपास रखना, आपको एनिमी की बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर बॉडी पर रखोगे तो आपका जो एम है एनिमी के बॉडी पर स्टक हो जाएगा एंड आपका हेडशॉट नहीं पड़ेगा। तो गाइस एक ही ट्रिक है कि आप जब भी ड्रैग करो रोटेशन ड्रैग करना है। दूसरा पॉइंट है कि आप जब भी एनिमी को मार रहे हो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना, बस अपने एम को एनिमी की बॉडी के साइड में रखना है जैसे यहाँ पर भी देखो। और अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग मोड में आना, यहाँ पर ट्राई करना है रोटेशन ड्रैग करते हुए, एक शॉट मारना फिर कवर में आना, एक शॉट मारना कवर में आना। और आप लोग मेरा एम भी देखो एनिमी के ऊपर नहीं है, ठीक है ना। तो ये ट्रिक गाइस यूज़ कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो आप, बहुत ही अच्छे से आप मतलब पूरे रेड नंबर ही पड़ेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए तो एक ही ट्रिक है गाइस, मैं जैसे कर रहा हूँ यहाँ पर वैसे आपको करना है। फायर ब्रेन थोड़ा छोटा रखोगे तो मतलब थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा कुछ दिनों तक कि आप कभी मिस फायर हो जाए, बाकी जो भी है गाइस सही है, बहुत ही अच्छे से रेड नंबर पड़ने वाला है। सो गाइस आई होप कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। Just don't know.